हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद प्रेरणा में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजगिरी के लड्डू। कुछ लोग इसे चौलाई तो कुछ लोग इसे राजदाना भी कहते हैं, और ये नवरात्रि व्रत में ख़ास तौर पर सभी के घर में बनाए जाते हैं, और आप इसे किसी और व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं, और सर्दियों में भी खाने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनकी रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं 250 ग्राम राजगिरी। ये हम भुनी हुई राजगिरी ले रहे हैं, ये मार्केट में बहुत आराम से मिल जाती है। और यहाँ हम ले रहे हैं 250 ग्राम चीनी, आधा कप पानी। अब हम यहाँ ले रहे हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम ये चीनी डाल देंगे और पानी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें और अच्छे से चलाते हुए चीनी के घुलने तक अच्छे से चलाएंगे। और अब इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार हमें करनी है। ये देखिए, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हम चेक कर रहे हैं चाशनी में अच्छा तार आ रहा है। अब ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। और अब जो ये राजगिरी हमने ली थी, इसे थोड़ा थोड़ा करके हम इस चाशनी में ऐड करेंगे। एक साथ हम सारी राजगिरी इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे अच्छे से चलाते हुए। ये राजगिरी के लड्डू कुछ टिप्स के साथ मैं आपको आज बताऊंगी फ्रेंड्स। अगर आप मेरी रेसिपी से ये राजगिरी के लड्डू बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, और ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। देखिए, अच्छे से मिलाते हुए सारी राजगिरी चाशनी में ऐड कर लेंगे। मैंने सारी चाशनी में ये सारी राजगिरी ऐड कर ली है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम यहाँ ले रहे हैं एक कटोरे में पानी, और हाथों को थोड़ा गीला करेंगे पानी से। ये हम नॉर्मल पानी ही ले रहे हैं। और इस तरह से ये देखिए लड्डू बनाएंगे। इसके लड्डू बनाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, लेकिन बन जाते हैं। ये देखिए बनाना बिल्कुल परफेक्ट। इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बनाकर कर लिए हैं रेडी, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।